किया गया है। तो मणिपुर विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मतदान केंद्रों के सामने लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। इसी बीच मतदान करने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह पहुंचे। मतदान के बाद उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। जिस तरह से चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है, पहले चरण के चुनाव हैं। हमारे साथ अभी हमने अनबीरेन सिंह को देखा, उन्होंने पहला वोट कास्ट किया। एक्सटर्नल अफेयर एमओएस आर के रंजन जी भी मौजूद हैं। सर, आपने भी वोट कास्ट किया, किस तरह का माहौल देख रहे हैं चुनाव को लेकर के, और आपको क्या अपील कर रहे हैं पब्लिक से? मैं आज का शुरुआत का वोटिंग शुरुआत में अच्छा वाला देखा है। माने हमारा इलेक्शन कमीशन के नियम के माफिक हमारा पोलिंग ऑफिशियल एकदम ठीक से काम कर रहा है, और फिर फ्री एंड फेयर है। और मैंने सोचा था ऐसा वाला मौका तो ज़रूर आएगा मणिपुर में, तो आज मैं खुद देखा है। और फिर हम लोग ने क्या है वो इलेक्शन कमीशन के माफी ठीक से हमारा सोच कर वोट दिया है। इंसर्जेंसी कैसे देखते हैं और कितना आप देखते हैं ड्रग फ्री मणिपुर? मणिपुर हमारा पॉइंट भी है, ड्रग फ्री स्टेट होना चाहिए और इंसर्जेंसी भी शांति होना चाहिए। इसके लिए सब हमारा सिटीजन लोग, वोटर लोग आकर ठीक से वोट कर रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो दिस विल गिव ए गुड इम्पैक्ट एंड आई होप दिस वोट, टुडेज वोट विल ब्रिंग ए पीसफुल मणिपुर एंड ड्रग फ्री मणिपुर एंड देयर विल बी ए सिस्टमेटिक गुड गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद